पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाई गई होली। विदेशी मेहमानों ने एकता और सद्भावना का दिया संदेश। ओआरसी में भी धूमधाम से मनी होली। मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट सेवा केंद्र ने मनाई 40वीं सालगिरह। उम्मीदों और स्वीकारोक्ति की चुनौतियों पर मंथन। बीके शिवानी ने समस्याओं के समाधान के बताए उपाय। सोनीपत रिट्रीट सेंटर में मूल्य निष्ठ पत्रकारिता पर प्रशिक्षण। मीडिया विद्वानों ने बताया सकारात्मक पत्रकारिता का महत्व। देश भर से पहुंचे मीडिया से जुड़े प्रभाग के सदस्य। ओआरसी में विदेशियों के लिए साइलेंस और हैप्पीनेस रिट्रीट का आयोजन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के लोगों ने की सहभागिता। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ से बीके बहनों ने की मुलाकात। संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। भोपाल में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर कार्यक्रम। बीके शिवानी ने दिया कर्मों की गुहे गति का ज्ञान। और हरियाणा, पंजाब, झारखंड, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में होली की धूम। पवित्रता और सद्भावना के लगाए अमिट रंग। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश भर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोग अपने अपने तरीके से रंगों के त्योहार में डूबे रहे, परंतु इससे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर सहित पूरे देश भर में संस्था के सदस्यों ने अलग अंदाज में होली मनाई। संस्था के शांतिवन, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में आयोजित कार्यक्रम में जहां रंगों से बचते हुए आध्यात्मिक रहस्यों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी, वहीं पांडव भवन में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजोगनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजोगनी दादी रतन मोहिनी के साथ संस्था के सदस्यों ने देश में सद्भावना और पवित्रता के साथ होली का पर्व मनाया। संस्था के शांतिवन में भी ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा बीके मोहिनी, जर्मनी के निदेशका बीके सुदेश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता व बीके उषा के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे पर गुलाब जल डालकर सौहार्दपूर्ण संदेश देने के साथ होली मनाई। ज्ञान सरोवर में होली का अलग ही रंग देखने को मिला, जहां कई देशों से आए विदेशी मेहमान होली के पर्व पर पूरे आध्यात्मिक रंग में रंगे नजर आए। यूरोप के निदेशका बीके जयंती, ज्ञान सरोवर एकेडमी की संचालिका बीके निर्मला ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में होली महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास एवं अलौकिकता के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में ओआरसी की निदेशका बीके आशा ने सभी को तिलक लगाकर सच्ची होली परमात्मा के साथ अलौकिक रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि नृत्य, गीत, कविता एवं नाटक का भी मंचन किया गया। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन ने होली के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि होली वास्तव में परमात्मा मिलन का सच्चा यादगार है। संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं तो आत्माओं की बुराइयों को जलाकर उन्हें होली अर्थात पवित्र बनाते हैं। मुंबई सांता क्रूज वेस्ट के 40 वर्ष पूर्ण होने पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुक्तनंद पीस पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर अलका कक्कर, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज लक्ष्मी राव, सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड के चेयरमैन चंदीर गिड़वानी,
टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक और फिल्म निर्माता रमेश तौरानी, अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश साव, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जोन निदेशिका बीके संतोष, ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, मास्को की निदेशिका बीके सुधा, सांताक्रूज सब जोन के प्रभारी बीके मीरा समेत मुंबई की कई सब जोन के वरिष्ठ बीके बहनों ने दीप जलाकर और केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एक ही आवाज हर दिल से निकली, एक ही आवाज हर दिल से निकली। गौरतलब हो कि इस सेवा केंद्र का शुभारंभ सन 1975 में किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत और सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से की गई। इस अवसर पर अधिक संख्या में लोग मौजूद हुए। वहीं बीके रमेश और बीके निर्मला ने सभी को इस वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। ब्रह्म कुमारी जैसी एक संस्था हमारे विभाग में लोगों को खुशी देने के लिए, लोगों की मन शांति के लिए कार्यरत है। मेडिटेशन फॉर योर पीस ऑफ माइंड, बट वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। एंड एनजीओज लाइक ब्रह्म कुमारी आर डूइंग द ग्रेट वर्क, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड पीस टू ऑल द पीपल। Education is that which enables material and spiritual development of a person, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के बीच में एक समान आपस में प्रेम प्यार से डेवलपमेंट हो। मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट के बिलावा भवन ऑडिटोरियम में एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, सांता क्रूज सब जोन के निदेशिका बीके मीरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश उपस्थित हुई। इस अवसर पर पहुंचे हजारों लोगों ने बीके शिवानी को सुनकर ज्ञान को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। जब हम दूसरे को देते हैं, सबसे पहले हमें मिल रहा है। एंड जब हम मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, द ओनली सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव, द ओनली सोर्स ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, परमात्मा कहते हैं तुम जो हो जैसे हो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। कार्यक्रम में बीके मीरा ने कहा कि उम्मीदें जितनी कम होंगी उतनी ज्यादा सुख शांति बनी रहेगी। इस दौरान बीके मीरा तथा बीके शिवानी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए विधायक पराग आलवाणी को सम्मानित किया। बांद्रा ईस्ट के चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के मैनेजमेंट हॉल में डिजाइन और लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके शिवानी ने कर्मों से ही अपने भविष्य की रचना करने की बात कही। परमात्मा हमारा भाग्य नहीं बल्कि हम खुद अपने भाग्य की कलम से तकदीर बनाते हैं, यह बात बीके शिवानी ने कहा। सोनीपत रिट्रीट सेंटर पर संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा दो दिवसीय अखिल भारतीय मूल्यनिष्ठ मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कई हिस्सों से आए मीडिया से जुड़े प्रभाग के सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का शुभारंभ हरियाणा बीजेपी उपाध्यक्ष राजीव जैन, समाज सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बीके अमीर चंद, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित और सेक्टर 15 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में राजीव जैन ने जीवन में नैतिक मूल्यों की गिरावट और समाज में बढ़ रहे दुराचार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मीडिया की अहम भूमिका बताई। जनता के अंदर जीवन के मूल्यों का ह्रास हो रहा है और यही वजह है कि आज जिस तरह से अत्याचार अनाचार दुराचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, हमारे नैतिक मूल्य जो है गिरते जा रहे हैं। वहीं प्रोफेसर दीक्षित, बीके सुशांत और बीके अमीर चंद ने बताया कि यदि नैतिक मूल्यों को बढ़ाना है तो पत्रकारिता में आध्यात्मिकता का समावेश होना जरूरी है। इसके साथ ही मीडिया को सशक्त बनने पर भी जोर दिया। हम हर एक से लेना तो चाहते हैं, हम डिमांड है हमारी हर एक की, जिसको भी हम देखते हैं हम कहते हैं कि ये हमारी ये डिमांड पूरी करे, लेना चाहते हैं,
आज हमारे मीडिया कर्मियों भाई बहनों को जो है उनको भी जरूरत है सशक्त होने की। गुड़गांव के ओआरसी में कई विदेशों के लोगों के लिए 5 दिवसीय साइलेंस और हैप्पीनेस रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 13 देशों ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि से करीब 150 लोगों ने भाग लिया। इस रिट्रीट में विदेशी मेहमानों को आध्यात्मिकता अपनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन कराया गया। इस रिट्रीट में सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ भी दी गयी। इस अवसर पर ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने रिट्रीट में आए सभी विदेशियों को अपने वक्तव्य से प्रभावित किया और सुख शांति जीवन में बनाए रखने के लिए परमात्मा की याद को आवश्यक बताया। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ गॉड इज लव। सुप्रसिद्ध अभिनेता जैकी श्रॉफ से मुंबई घाटकोपर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णु ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया तथा सौगात भेंट की। इस अवसर पर जैकी श्रॉफ ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहनों व माताओं को शक्ति स्वरूप बताया तथा संस्था के कार्यों की सराहना की। I mean, माँ इज हीरोइन, शक्ति, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, सारे माओं का रूप होता है। वो हीरो नहीं होते, वो हीरोइने होती हैं। ब्रह्मकुमारी जी जो कर रही हैं, आप सबको यहाँ बुलाकर आपका हौसला अफजाई करना चाहती है। भोपाल के बीएसएस कॉलेज के सभागार में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद आलोक संजय, भास्कर ग्रुप के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, जोन प्रभारी बीके अवधेश ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने विचार शुद्धि के लिए अन्य की शुद्धता पर जोर दिया। क्यों ना हम अपने घर में रोज प्रसाद बनाना शुरू करते। प्रसाद मतलब क्या? उसको याद करते हुए बहुत अच्छी मन की स्थिति में सात्विक अन्न बनाया, वो बन गया प्रसाद। अब उसको रोज घर वालों को खिलाओ। बिहार लखीसराय में संस्थान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के सत्य सार एवं तनाव मुक्त मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों लोग गीता के आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए उपस्थित हुए। इस दौरान बच्चों ने नाटक मंचन कर बताया कि सबका मालिक निराकार परमात्मा शिव एक है। इस अवसर पर बीके कंचन ने गीता का सार बताया कि गीता ज्ञानदाता एक निराकार शिव है। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी ने होली का वास्तविक अर्थ बताते हुए इस त्योहार को पवित्रता का पर्व बताया। मध्य प्रदेश के सिवनी में भी 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत एवं रामायण के आध्यात्मिक महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने सभी उपस्थित लोगों को गीता, महाभारत और रामायण का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि ये वही महाभारत का समय चल रहा है और आज जरूरत है कि परमात्मा की याद से अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने बुराइयों एवं व्यसनों का दान कर उन्हें हवन कुंड में स्वाहा किया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने राजयोग को जीवन में अपनाकर प्रतिदिन अभ्यास करने पर बल दिया। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में निशुल्क श्रवण दोष एवं बहरापन जांच शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार प्रावधान के तहत अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत राजस्थान के सिरोही, जालोर एवं पाली जनपदों से आए मरीजों ने इस शिविर का लाभ लिया। इस शिविर में सभी मरीजों को निशुल्क परामर्श देकर श्रवण दोष की जांच की गई, जहां उन्हें निशुल्क श्रवण यंत्र भी प्रदान किया गया। इस शिविर के अंतर्गत ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के 55 फील्ड हेल्थ वर्कर को विकलांगता के संबंध में दिल्ली से डॉक्टर वीपी शाह और उनकी टीम ने ट्रेनिंग दी।
वहीं वडोदरा के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर मंगलवाड़ी सेवा केंद्र द्वारा निशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडवोकेट तुषार व्यास, जीएचआरसी के डॉक्टर की टीम जिसमें मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश उपाध्याय, डॉक्टर केतन पटेल, डॉक्टर रीना पटेल, डॉक्टर तपन समेत मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने दीप जलाकर इस कैंप का उद्घाटन किया। इस कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप करने के साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गयी। चंडीगढ़ सेक्टर 21 सेवा केंद्र द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनरल मैनेजर एसबी प्रसाद, रीजनल मैनेजर विपिन गुप्ता, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बीके उर्मिला ने सभी अधिकारियों को सबके प्रति स्नेह की भावना रखने और तनाव से मुक्त जीवन जीने के लिए राजयोग को जरूरी बताया। छत्तीसगढ़ कोरबा के सियान सदन में परमात्मा शक्ति द्वारा खुशहाल जीवन विषय पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने राजयोग का निरंतर अभ्यास कर जीवन को खुशनुमा बनाने पर प्रेरित किया। इसके साथ ही आत्मा के अंदर की बुराइयों को आध्यात्मिक शक्ति और परमात्मा की याद से जलाना ही होलिका दहन बताया। इस कार्यक्रम में नगर के कई वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया, जहां सभी ने अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को अनुभवों के तौर पर साझा किया। उत्तर प्रदेश के बलिया सेवा केंद्र द्वारा डोडा गांव में स्थित वनखंडी नाथ मठ पर 12 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने सभी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराया। इसके साथ ही व्यसन से मुक्त रहने व परमात्मा की याद से विकारों का दान करने का संकल्प भी कराया। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सेंट ओलाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सकारात्मक चिंतन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जहाँ इंदौर से शक्ति निकेतन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीला ने जीवन में सफलता के लिए स्वयं के प्रति किए जा रहे विचारों को सकारात्मक बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के निदेशक फादर डेविस जॉर्ज ने आध्यात्मिकता का जीवन में समावेश करने पर जोर दिया। जबलपुर के शिव स्मृति भवन में महिला शक्ति और स्वर्णिम भारत विषय पर दिव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर स्वाति गोडबोले, सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालिका राजश्री राय, नगर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रेखा जैन, गीताविद डॉक्टर पुष्पा पांडे, पार्षद गीता रजक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने कहा कि नए भारत का निर्माण सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं, जिसमें नारी शक्ति का अहम योगदान है। प्रतिष्ठित महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश मऊ के कुशमोर में बीज अनुसंधान निदेशालय द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सेवा केंद्र द्वारा शाश्वत यौगिक खेती की चित्र प्रदर्शनी और बुक स्टॉल्स लगाए गए, जिसका उद्घाटन ICAR के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जी कल्लू, बीज अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस राजेंद्र प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने लोगों को शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी दी तथा राजयोग का प्रयोग कर उत्तम खेती करने की सलाह दी। पंजाब के बरनाला सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर गुरलवलीन सिंह सिद्धू, लुधियाना के सिद्मा कॉलेज के प्रोफेसर बीके सीमा, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के साथ साथ उसका यथार्थ परिचय भी दिया। गुजरात में खंभात के बड़ा वासुदेवनी पोल सभागृह में 3 दिवसीय स्वास्थ्य जागृति शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर जमीना ने सदा स्वस्थ रहने के लिए दवाई के साथ साथ दुआ लेने की सलाह दी। खंभात के मदरसा तैबिया हाई स्कूल में मेमोरी मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खंभात सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने
राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने पर प्रकाश डाला। अब कुछ खबरें होली पर्व की। लुधियाना के सिविल लाइन सेवा केंद्र पर होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, विश्व शांति सदन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस ने होली के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला और इसे मनुष्य से देवता बनाने की ओर ले जाने वाला उत्सव बताया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन रेणु छतवाल समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने होली के वास्तविक रहस्य को समझ सच्चे अर्थों में होली मनाने का संकल्प लिया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जोगिंदर सिंह, पायोनियर के एमडी पवन बजाज, मेडिकल हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर संजय कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी पीके निर्मला समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने राजयोग द्वारा जीवन में सुख शांति लाकर कर्म में सफलता पाने पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सभी ने बुराइयों को हवन कुंड में स्वाहा कर सच्ची होली मनाई। मलाड के लिबर्टी गार्डन में होली के पर्व पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने होली को परमात्मा मिलन का यादगार, आपसी मतभेदों को भुलाने का त्योहार बताकर लोगों को सच्ची होली के वास्तविक अर्थों से अवगत कराया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर होली का उत्सव मनाया गया। इस पर्व पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती और राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने 5 विकारों को अग्नि में डालकर जीवन में फिर कभी न स्वीकारने का संकल्प कराया। साथ ही होली का वास्तविक अर्थ बताते हुए बुराइयों का त्याग कर परमात्मा के रंग में रंगना ही सच्ची होली बताया। बड़ौदा के अलकापुरी सेवा केंद्र में आध्यात्मिक रीति से होली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने राजयोग द्वारा आत्मा के 7 गुणों रूपी रंगों को जीवन में शामिल करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सभी ने फूलों से होली खेली और ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा संग के रंग में रंगने का संकल्प लिया। सूरत वराछा सेवा केंद्र द्वारा होली का पर्व सुंदर अलौकिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने सभी को इस पर्व का रहस्य बताते हुए कहा कि वास्तव में हमारे अंदर की बुराइयों को प्रभु प्रेम की अग्नि में जलाना ही सच्ची होली मनाना है। गुजरात वडोदरा के वासना रोड सेवा केंद्र पर होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने फूलों के साथ होली खेली और बीती बातों को बीती कर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सभी ने रास कर खुशियां भी मनाई। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर भी होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने सभी को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर होलिका दहन का वास्तविक रहस्य बताया। कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक दिलीप श्रीवास्तव ने अपनी कविताओं से माहौल को खुशनुमा बना दिया और आईटीएम विश्वविद्यालय के बच्चों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। पंजाब के जगराओं सेवा केंद्र पर होली का पर्व हर्षोल्लास और अलौकिक रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अमर ज्योति, लुधियाना के सिद्धमा कॉलेज की प्रोफेसर बीके सीमा समेत कई बीके बहनें मौजूद रहीं। इस पर्व पर सभी बीके सदस्यों को तिलक लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। वहीं जगराओं के आत्मनगर गीता पाठशाला में भी होली का महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी पेश की गईं और बुराइयों का त्याग कर प्रभु रंग में रंगने का संदेश दिया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 51 सेवा केंद्र पर बड़े उमंग उत्साह से होली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सारिका ने होली का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि होली अर्थात बीती सो बीती, जिसको हमें भूल जाना चाहिए। हरियाणा के अंबाला सिटी सेवा केंद्र पर होली का पर्व आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर फॉरेंसिक विभाग के निदेशक सरदार कुलविंदर सिंह ने इस पर्व को भाईचारे व प्रेम का प्रतीक बताया। इसके साथ ही मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण ने अपनी बुराइयों का त्याग कर दिव्य गुणों की धारणा करने पर जोर दिया
इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए बुराइयों की आहुति देने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा बहादुरगढ़ में सेक्टर 2 सेवा केंद्र पर होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, पालिका कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता समेत अन्य बीके बहनों ने सभी को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया तथा तन और मन की स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। हरियाणा के घरौंदा सेवा केंद्र पर होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस पावन पर्व पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु ने सभी बीके सदस्यों को होली की शुभकामनाएं देते हुए होली के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। हरियाणा के सोहना में कायस्थवाड़ा उप सेवा केंद्र पर होली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका ने सभी को शुभकामनाएं दी तथा संस्कार मिलन कर पारिवारिक जीवन में सफलता पाने की सलाह दी। राजस्थान रावस्तर सुख शांति भवन पर होली महोत्सव पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने सभी बीके भाई बहनों को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सभी सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। दिल्ली के नंगली विहार सेवा केंद्र पर होली के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने सभी उपस्थित लोगों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और बीती बातों को बीती कर सकारात्मक विचारों द्वारा जीवन को नए तरीके से शुरुआत करने की सलाह दी। मथुरा के जुबली पार्क में चाणक्यपुरी सेवा केंद्र द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप माथुर, नगर पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता से सेवा केंद्र के सदस्यों ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भेंट की। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर होली पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड की ग्रामीण विकास मंत्री अनीता वशिष्ठ ने शिरकत की और पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने होली के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए अपनी बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान किया। इंदौर ओम शांति भवन में भी होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी बीके आरती ने सभी को तिलक लगाकर होली के अवसर पर संपूर्ण पवित्र बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर होली के पावन पर्व पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सदा उत्साह में रहे उत्सव मनाने की सलाह दी। इसके साथ ही पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को भी बताया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।